आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह का, किस प्रकार का माइंडसेट होना जरूरी है जिससे कि आप अमीर बन सकते हो। नंबर एक, पहला सबसे गोल माइंडसेट। यह माइंडसेट ये बताता है कि आपके गोल्स पक्के हैं क्या, आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, आपका बिजनेस का कुछ गोल है क्या, कितना टर्नओवर करने वाले हो, कितना रुपया कमाने वाले हो, अपना मकान बनाने का है, कितने रुपए का मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है तो कितने रुपए की, कब खरीदना है, घर कब तैयार करना है, मतलब ये सब ऐसे गोल्स आपके पक्के हैं क्या कि क्या करना है। और गोल्स जिसके पक्के होते हैं और जो लिखित स्वरूप में रहते हैं वो पक्का अचीव करते हैं और बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ था, उसमें उन्होंने लोगों को पूछा जो आए थे उनको कि भाई आपके पास में कितने लोगों के पास में गोल्स तैयार है, उनको गोल्स मालूम है, गोल्स उनके दिमाग में है। तो 84% लोगों ने ये बताया कि उनके पास में गोल्स कोई तैयार नहीं, उनको क्या करना है, उनका कुछ भी इंटेंशन, कुछ गोल्स उनके पास में तैयार नहीं है। 13% लोगों ने ये बोला कि उनके गोल्स तैयार है वो दिमाग में है। और 3% लोगों ने ऐसा बोला कि उनके गोल्स तैयार है, लिखे हुए हैं। 10 साल बाद में उनको फिर पूछा गया, उनकी फिर स्टडी की गई, तो जो 84% है, तो 84% की पूरी जो कंप्लीट उनकी जो संपत्ति थी, उनका जो वेल्थ था, वो जो 13% है जिनको दिमाग में तैयार था, कौन सा गोल दिमाग में था, वो 13% लोगों से कम थी। रिपीट कर रहा हूँ, 13% लोगों की जो वेल्थ थी, संपत्ति थी, वो पहले जो 84% है वो टोटल मिला के 13% लोगों की 84% से ज़्यादा थी। और ताजुब की बात यह है, वंडर, कि 3% जो लोग थे जिनके गोल्स लिखे हुए थे, उनके 3% लोगों की वेल्थ, संपत्ति जो थी, वो बचे हुए 97% लोगों से ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा महत्व गोल्स का है कि गोल्स आपके तैयार होना चाहिए, लिखित स्वरूप में होना चाहिए, और आपका विजन बोर्ड तैयार है, वो रखा हुआ है विजन बोर्ड कि मेरा विजन क्या है, और वो रोज आप देखते हो तो वो एक्शन में आएगा, नंबर एक। नंबर दो है कि वे एक्शन हैबिट, एक्शन माइंडसेट और हैबिट माइंडसेट। ये क्या होता है, देखो आपको जो भी करना है वो आप यदि उसके हैबिट बना डालते हैं, या जो भी आपको मालूम है उसके एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेते रहते उसके हैबिट बनाते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्या होता है, हमको नॉलेज बहुत है मगर नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। आपको नॉलेज बहुत है मगर आप अप्लाई नहीं कर रहे, अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी है जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, आपको नॉलेज है आप भी कुछ नहीं कर रहे, रिजल्ट सेम है। तो नॉलेज होना जरूरी है, और नॉलेज होके एक्शन होना जरूरी है, और आपके काम के ऊपर फोकस फिर होना जरूरी है। जब वॉरेन बफे को और बिल गेट्स को अलग अलग समय पर पूछा गया कि आपका जो रिचनेस है, आप रिच है, उसका राज क्या है, तो दोनों ने लिख के दिया फोकस ऑन एक्शंस एंड गोल्स, वो लिख के दिया। इतना महत्व है एक्शन लेने का। तो आपको जो भी करना है, समझो आपको एक्सरसाइज करना है, जान पे आता है, आलस आता है, उसके हैबिट बना डालो, इतनी हैबिट बना डालो कि एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो आपको बेचैनी आ जाएगी, घबराहट हो जाएगी नहीं करेंगे तो, इतनी हैबिट होना चाहिए उसकी। कोई भी चीज़ की आप हैबिट डालते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, अच्छी चीज़ की ऑफकोर्स हैबिट। तीसरा जो है वो है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि भाई अपने पास में अनलिमिटेड है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, अमर्याद है अपने दुनिया में, अपने नेचर में। मगर हम ऐसा बिहेव करते हैं कि बहुत कम है और भागा दौड़ी करते रहते हैं कि भाई मुझे मिलना चाहिए। ऐसा आपको मालूम है कि ट्रेन में आप जब सफ़र करते हो तो जैसा स्टेशन आ जाता है, उतरना है, तो उतरने वाले इतनी जल्दी करते हैं कि उनको लगता है कि ट्रेन छूट जाएगी, हालांकि ट्रेन 5 मिनट रुकने वाली है, सब उतर जाएंगे, बाद में ट्रेन निकलने वाली है, तभी इतनी जल्दी करेंगे निकलने की, और उतने ही समय में वो चढ़ने वाले जो ऐसी भीड़ कर देते हैं। इवन इफ वो डब्बा एसी का है, एयर कंडीशनिंग डब्बा है, सेकंड टू टायर एसी का है, तभी भी लोग ऐसी करेंगे, थर्ड एसी का है तभी, और जनरल ऐसा तभी भी ऐसी करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो स्वभाव है सरीका ही है, लगता है कि जगह नहीं, जगह आपकी रिजर्व है ना, क्यों जल्दी करें, ट्रेन छूटने वाली नहीं है, कोई मीटिंग है, मीटिंग के बाद में खाना रखा हुआ है, जैसे मीटिंग खत्म हो जाती है लोग ऐसा दौड़ते हैं कि भाई खाना जैसा खत्म होने वाला है, और बिल्कुल फटाफट ऐसे भगदड़ मची हुई है कि बस दौड़ो और फटाफट डिश ले लो और खाना खाओ, ऐसा उनको लगता है कि खाना खत्म ही हो जाएगा। अबंडेंस है, अमर्याद है, आराम से करो, शांति से करो, आपको आपके हिस्से का मिलने वाला है। नंबर चार जो है वो वैल्यू माइंडसेट। वैल्यू माइंडसेट मतलब आपको यदि कमाना है, आपको पैसे कमाना है, आपको बहुत कुछ चाहिए, रिसीव करना है, तो पहले आपको गिव करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो गिविंग एंड देन रिसीविंग, ऐसा है वो लॉ ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग। क्या बोलता है कि आपको देना पड़ेगा, तो देना क्या है, देना आपको वैल्यू देना है, सामने वाले के प्रॉब्लम्स जो है
उसको सॉल्व करना है। देखो दो तीन चीज़ें से आपको पैसा मिल सकता है। एक तो लोगों के आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब उनका पेन ठीक करेंगे, या लोगों को प्लेजर देंगे, मज़ा आ जाएगा उनको, ऐसा कुछ करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, या उनके जो गोल्स है, उनके जो इंटेंशंस है वो पूरे करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये सब होता है कि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना, लोग ऊपर उठना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, या लोगों की तकलीफ दूर होना चाहिए। जैसा डॉक्टर लोगों की तकलीफ दूर कर दिया तो उसको पैसा मिलता है, आप कोई ट्रेडिंग होटल वाला जो है रेस्टोरेंट है लोगों को अच्छा खाना खिला तो उसको पैसा मिलता है। तो हर जगह लोग वैल्यू ऐड करते हो, जितने ज़्यादा लोगों को वैल्यू आप ऐड करेंगे जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये चौथा माइंडसेट। पांचवा है कि सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। वो ये बोलता है कि भाई आपको सेल्फ डेवलपमेंट, खुद का विकास करना पड़ेगा। खुद का विकास मतलब क्या है, हम क्या है, हमारे बॉडी के ऊपर खर्चा करते हैं, अच्छा खाना खाएंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, एसी में सफ़र करेंगे, कार में जाएंगे, बॉडी को सब, बॉडी को ट्रेन करना है, एक्सरसाइज करना तो नहीं करेंगे, वो जान पे आता है। वैसे ही अपने दिमाग को यदि ट्रेन करना है, मतलब आँखों के ऊपर हम कितना खर्चा करते हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग लेते नहीं है, डेवलपमेंट के कोई कोर्सेज करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कोई नया स्किल नहीं सीखेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करते नहीं है, फिर जहाँ के वहीं रह जाएंगे। स्किल्स आपको डेवलप करने होंगे, जैसे सेलिंग स्किल है वो डेवलप करना है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट आप सीख सकते हैं, उसका व्यापार धंधा कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेच सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब अलग अलग तरह के आप कोर्सेज सीख सकते हैं, आपका डेवलपमेंट कर सकते हैं, आपके बिजनेस में वो काम में आएगा, आप उसका बिजनेस कर सकते हैं और आपको बहुत पैसा मिल सकता है। तो ये पांचों स्किल्स है, वो आप यदि लेते हैं तो बहुत ही आपको आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, आप अमीर बन जाओगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि गोल माइंडसेट, नंबर दो एक्शन माइंडसेट, नंबर तीन अबंडेंस माइंडसेट, नंबर चार वैल्यू माइंडसेट और नंबर पाँच सेल्फ डेवलपमेंट माइंडसेट। थैंक यू वेरी मच।